बड़े हादसे से बचा एयर इंडिया के विमान, मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त फटा टायर, लगी आग, भागते नजर आए यात्री। नागपुर से मुंबई पहुंची थी एयर इंडिया की फ्लाइट A1630, 168 यात्री थे सवार। कल रात 10:45 पर हुआ हादसा, कुछ यात्रियों को आई मामूली चोट। गुजरात में हमले की साजिश रचने वाले 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने किया ढेर, 7 आतंकी फरार, बने हैं बड़ा खतरा। 10 आतंकियों के गुजरात में घुसने की थी खबर। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, 6 आतंकियों की हुई थी मौत। हमले के दौरान 4 आतंकियों के बरामद हुए थे शव, फोरेंसिक रिपोर्ट में 2 और आतंकियों के अवशेष मिलने की पुष्टि। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। कन्हैया की अंतरिम जमानत खारिज करने से जुड़ी याचिका पर आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, जमानत नियमों के उल्लंघन का आरोप। जेएनयू पैनल की रिपोर्ट में उमर खालिद और अनिर्वाण को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी पाया गया है। कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्वाण के साथ कुल 21 छात्रों को भेजा गया है कारण बताओ नोटिस, 5 छात्रों को पाया गया दोषी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार डीयू के पूर्व प्रोफेसर एसआर गिलानी की न्यायिक हिरासत आज खत्म, कोर्ट में हो सकती है पेशी। 18 मार्च को विजय माल्या की पेशी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय असमंजस में, कहा अब तक नहीं मिला जवाब, वो आएंगे या नहीं। राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी रियल एस्टेट बिल पास, अब तय वक्त पर बिल्डर्स को सौंपना होगा खरीदारों को घर। काठमांडू में आज सार्क की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, विदेश सचिव स्तर की वार्ता में तैयार होगी मंत्रियों के वार्ता की बुनियाद। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, केस चलाने लायक मुद्दा है या नहीं ये तय होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरफ्तार एनसीपी नेता छगन भुजबल की पूछताछ जारी, ईडी की 2 दिनों की कस्टडी में है भुजबल। जयललिता के आय से अधिक संपत्ति विवाद के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, हाईकोर्ट के पैनल फैसले को करुणानिधि ने दी है चुनौती। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी ने पीएम मोदी को किया फोन, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा, सूत्रों के मुताबिक फोन पर पीएम मोदी और अशरफ घानी के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केजरीवाल सरकार को समझाई बजट की बारीकी, सीएम केजरीवाल के बुलावे पर पहुंचे थे विधानसभा, 28 मार्च को बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार, पारदर्शिता के लिए यशवंत सिन्हा ने बजट की गोपनीयता की खत्म करने की दी नसीहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की, कल कांशीराम जयंती पर उनके परिजनों से मिले, पंजाब में सरकार बनने पर दलितों के दबे मामलों की एसआईटी जांच का दिया भरोसा। लालू यादव का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, तेजस्वी ने केस दर्ज कराया। पोखरण में वायुसेना कल से करेगी जबरदस्त युद्धाभ्यास, 170 फाइटर प्लेन होंगे शामिल, 18 मार्च को होने वाले वायुसेना के युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। आयुष मंत्रालय की शिकायत पर पत्रकार पुष्प शर्मा पर सख्त हुई पुलिस, कल पूछताछ के बाद छोड़ा, आज फिर पूछताछ के लिए किया है तलब, पत्रकार पुष्प शर्मा पर आरटीआई की गलत जानकारी देने का है आरोप, योग दिवस के दौरान मुस्लिम प्रशिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है मामला। अपहरण केस में शामिल पाया गया तेलंगाना पुलिस का सर्कल इंस्पेक्टर हैदराबाद में था तैनात, खुलासे के बाद हुआ सस्पेंड। भूमि विवाद के केस में कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग का हुआ था अपहरण, 12 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी, आरोपी इंस्पेक्टर पर इन्हें मदद पहुंचाने का भी आरोप। किशनगंज कारा मंडल के जेल अधीक्षक कृपा शंकर पांडे का वीडियो वायरल, नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत का आरोप। रामपुर में वाल्मीकि बस्ती पहुंचे निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी, फिर आरोपों में फंसे एक शख्स ने निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर भड़काऊ बातें करने का लगाया आरोप, दर्ज कराई शिकायत।
दिल्ली के मंडावली में हुआ रिश्ते का कत्ल, सगी मौसी पर भतीजे से जबरन देह व्यापार कराने का लगाया आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में एक लड़की ने पिता पर बंधक बनाकर बलात्कार की कोशिश का लगाया आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी फरार। राजस्थान के चुरू में नकली स्टैंप के जरिए करोड़ों की काली कमाई का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ के महिला अस्पताल में लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों के मुताबिक अस्पताल में मरीजों से सुविधा शुल्क के नाम पर 100 से 300 रुपए की वसूली, पैसा नहीं देने पर इलाज में की जाती है देरी। कुशीनगर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान हादसा, ट्रेन के गेट पर बैठकर मोबाइल गेम खेलते वक्त गिरा 10 साल का मासूम, गंभीर चोट लगी। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन लाने पर नहीं मिली मदद, बड़े भाई को जख्मी, छोटे भाई को पीठ पर लादना पड़ा। दिल्ली के पालम इलाके में मां बेटे की हत्या, एक शख्स ने चाकू से किया हमला, वजह अभी साफ नहीं। दिल्ली के बिंदापुर में लुटेरों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर सोने की चेन, कुंडल और अंगूठी छीनी, घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। मालदा में एक स्कूल में मिड डे मील की घटिया क्वालिटी पर हंगामा, जमकर हुई तोड़फोड़, वीडियो करेंगे जांच। गुजरात के आणंद में किडनी के सौदागरों के खिलाफ एसआईटी की जांच जारी, 13 युवकों के दिल्ली में किडनी सौदे का हुआ था खुलासा। केरल के हरिपद में 30 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या, लेफ्ट के यूथ विंग डीवाईएफआई के 10 सदस्यों पर आरोप। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच बड़ी खटास, दोनों ने एक दूसरे को भेजा लीगल नोटिस। फिल्म आशिकी 3 से ड्रॉप किए जाने से जुड़े सवाल पर कंगना ने ऋतिक पर लगाए थे गंभीर आरोप, ऋतिक के लिए सिली एक्स शब्द का किया था इस्तेमाल, ऋतिक ने कंगना पर इमेज खराब करने का लगाया आरोप। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का टीजर लॉन्च, सुशांत सिंह राजपूत निभा रहे हैं धोनी का किरदार। निधन करीब 19 साल बाद मदर टेरेसा को मिलेगी संत की उपाधि, पोप फ्रांसिस ने लगाई मुहर, 4 सितंबर को वेटिकन में होगा ऐलान। मारिया शारापोवा यूएन के सद्भावना राजदूत की जिम्मेदारी से सस्पेंड, डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उठे विवाद से लिया फैसला। नागपुर में वर्ल्ड टी20 के पहले मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, न्यूजीलैंड ने 47 रनों से हराया, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का खराब रिकॉर्ड बरकरार, 5 मैचों में एक भी नहीं जीत सका भारत। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए कीवी टीम ने 7 विकेट पर 126 रन बनाए, लेकिन 79 रन पर ढेर हो गई टीम इंडिया, कप्तान धोनी ने बनाए सबसे ज्यादा 30 रन, विराट कोहली 23, धवन 1, रोहित शर्मा 5 और युवराज 4 रन पर हुए ढेर। कप्तान धोनी ने बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा, का खराब शॉट खेलकर आउट हुए कई बल्लेबाज। धोनी के धुरंधर हुए ढेर, लेकिन महिलाओं ने मारी बाजी, महिला टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विजयी आगाज, बेंगलुरु में बांग्लादेश को 72 रनों से रौंदा। वर्ल्ड टी20 में आज 2 मुकाबले, कोलकाता में बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से, मुंबई में इंग्लैंड वेस्टइंडीज का मैच। अगली खबर का रुख करेंगे, देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं, विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट।